Good morning, students. Okay, now we are going to our lesson number 15, Maru Gujarat. Okay, Maru Gujarat means Gujarat के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है. हमारा district कच्छ होता है, पर हम यहाँ पे गुजरात के बारे में पढ़ेंगे. गुजरात मारू राज्य छे, ते भारतनी पश्चिम में आवेलू छे. मीन्स हमने जो मैप देखा है उसमें जो पश्चिम मीन्स वेस्ट वेस्ट साइड में जो जहाँ पे ये नक्शा आपको देखो पास में दिया गया है, वो हमारे इंडिया का जो मैप है उसमें वेस्ट की तरफ दिखाया गया है. राज्य मीन्स स्टेट. गुजरात हमारा ऐसा स्टेट है जो भारत के नक्शे में पश्चिम वेस्ट की तरफ आ रहा है. गिरनार गुजरात नो ऊँचो पर्वत छे. गुजरात में सबसे ऊँचा पर्वत, पर्वत मीन्स माउंटेन, कौन सा है? गिरनार. हम जानते हैं गिरनार है वो हमारे गुजरात का सबसे ऊंचा मीन्स सबसे हाइट वाला माउंटेन है. नर्मदा गुजरात की मोटी नदी छे. नदी मीन्स रिवर और नर्मदा, हम ये बात जानते हैं कि नर्मदा है वो हमारे गुजरात की सबसे बड़ी रिवर है. गुजरातनो दरिया किनारो विशाड़ छे. दरिया किनारो मीन्स सी शोर. दरिया किनारो मीन्स सी शोर. गुजरात का जो सी शोर है विशाल मीन्स बहुत ही बड़ा है. कंडला गुजरातनु मोटू बंदर छे. कंडला यहाँ हमारे कच्छ में आता है, वो गुजरात का बंदर मीन्स पोर्ट. हमने देखा है ना ये अदानी पोर्ट है, कंडला पोर्ट है, ठीक है, वो सबसे बड़ा पोर्ट है यहाँ का गुजरात का. अहमदाबाद वडोदरा सूरत राजकोट वगैरह गुजरात ना मोटा शहरों छे. जैसे हमारे गुजरात में जो शहरों मीन्स सिटी हम जानते हैं, कौन सी सबसे बड़ी सिटी है? अहमदाबाद सबसे बड़ी सिटी है, वडोदरा है, सूरत है, राजकोट है, ये सारी सिटी सबसे बड़ी है. अंबाजी सोमनाथ द्वारका पालीताणा पावागढ़ अने डाकोर गुजरात ना प्रसिद्ध यात्रा धामों छे. ठीक है, ये सारे जो हैं वो पिलिग्रिमेज, यात्रा धाम मीन्स पिलिग्रिमेज, ठीक है. और ये कहाँ पे? अंबाजी सोमनाथ द्वारका पालीताणा पावागढ़ और डाकोर, ये सारे जो मंदिर है जो गुजरात के अंदर आए हैं वो ये सारे हमारे पिलिग्रिमेज है, ठीक है. ये यात्रा का धाम है. गुजरात नू पाटनगर गांधीनगर छे. पाटनगर मीन्स कैपिटल. गुजरात का जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी जिसको बोलते हैं, वो कौन सा है? गांधीनगर, जो अहमदाबाद के पास आया है वो. ते साबरमती नदी ने किनारे आवेलू छे. हम जानते हैं साबरमती नदी कहाँ पे आई है? अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में, पर गांधीनगर है जो साबरमती नदी है, रिवर है, उससे नज़दीक पड़ता है. गुजरात अनेक महापुरुषों की जन्मभूमि छे. महापुरुषों मीन्स जो हमारे यहाँ पे महान लोग होते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, रविशंकर महाराज है, ये सारे जो महान हमारे यहाँ पे जो रहे हैं उनकी जन्मभूमि है, मीन्स उसका बर्थ प्लेस है, जो गुजरात में ही बोर्न हुए हैं. हम जानते हैं गांधी जी जी है वो पोरबंदर में बोर्न हुए हैं, तो वो पोरबंदर भी गुजरात के अंदर ही आया ना, ठीक है. राष्ट्रपिता गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविशंकर महाराज वगैरह गुजरात ना सपूतों से. सपूतों मीन्स उसके बच्चे हैं. हम गुजरात में रहते हैं तो हम अपने गुजरात के बच्चे हुए. गुजरात झड़पती विकास पामतू राज्य छे. और जो ये गुजरात है वो एकदम स्पीडी, झड़पती मीन्स स्पीड में, विकास पामतू मीन्स उसका डेवलपमेंट अच्छे से और जल्दी से हो रहा है. मने मारू गुजरात प्रिय छे. मुझे मेरा ये गुजरात है वो मुझे बहुत ही प्रिय है. ओके, अभी ये मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है. इसके साथ आपको एक ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है आपको. मारू गुजरात, आपको गुजरात के बारे में ऐसे लिखना है. ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लेसन में दी गई है वो सब तो आप इसको अंदर इंक्लूड कर सकते हो. इसके अलावा आपको और कुछ भी नया सूझता है, आता है, तो भी आप अपने ऐसे में ऐड कर सकते हो. और ये ऐसे आपको आपकी नोटबुक में लिखना रहेगा. इसके साथ वर्ड मीनिंग है वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं, और एक PDF जो मैं इसके बाद आपको भेजूँगी वो भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों में लिखने रहेंगे. थैंक यू.